Let us continue the lesson, page number 15. Third paragraph, at midnight wala. Yesterday we have seen that the Diwan brought the tiger from Madras and kept hidden in his house. At midnight, when the town slept in peace, the Diwan and his aged wife dragged the tiger to the car and shoved it into the seat. Adi Ratku apni patni ke saath milkar wo cheete ko car ke seat mein dhakel ke rakha. The Diwan himself drove the car straight to the forest where the Maharaja was hunting. महाराजा जिस जंगल में शिकार कर रहे थे, दीवान साहब खुद ले जाके उसको उसी जंगल में उतारा. When they reached the forest, the tiger launched its satyagraha and refused to get out of the car. जब जंगल में पहुंच गया तो चीता उतरने को तैयार नहीं हुआ. The Diwan was thoroughly exhausted in his effort to haul the beast out of the car and push it down to the ground. चीते को उसमें से धक्का दे के नीचे उतारने में बहुत कोशिश करने की वजह से दीवान साहब ज़्यादा थक गए. On the following day, the same old tiger wandered into the Maharaja's presence and stood as if in humble supplication. Supplication means request. वही चीता घूमते 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 महाराजा के पास में आके खड़े रहा. मास्टर, व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी? इट वाज विद बाउंडलेस जॉय दैट द महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट. उनके सामने जाके पूछा, अजी साहब, आप मेरे साथ क्या करना चाहते हो? महाराजा को मजा आ गया तो वो सीधे एम लगाया, गोली चलाया. द टाइगर फेल इन ए क्रम्बल्ड हीप. टाइगर एकदम कोलैप्स हो गया, गिर पड़ा. आई हैव किल्ड द 100th टाइगर, माई वाउ हैज बीन फुलफिल्ड. मैं पूरा 100 चीता मारा, मेरा प्रतिज्ञा पूरा हो गया. द महाराजा वॉज ओवरकम विथ एलेशन. एलेशन यानी अत्यधिक खुशी. महाराजा अत्यधिक खुशी से पागल हो गए. ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेशन, द महाराजा हेस्टेंड अवे इन हिज कार. चीते को जुलूस के साथ महल में लाने का आदेश देके वो अपना कार में चला गया. After the Maharaja left, the hunters went to take a close look at the tiger. Maharaja ke jaane ke baad shikar log nazdik se dekhne ke liye uske paas gaye. The tiger looked back at them, rolling its eyes in bafflement. Frustration se cheeta usko dekhne laga. Iska matlab mara nahi wo. राजा क्या सोचा? मर गया. द मैन रियलाइज्ड दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड. शिकारी लोग समझ गया कि ये मरा नहीं. द बुलेट हैड मिस्ड इट. बुलेट मिस हो गया था. इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजिंग पास्ट. उसके सामने से निकलने वाले बुलेट की आवाज सुनकर बेहोश हो गए. The hunters wondered what they should do. शिकारी लोग एकदम डर गया क्योंकि अभी चीते के पास में खड़े, क्या करें. They decided that the Maharaja must not come to know that he had missed his target. राजा को कैसे बताएं कि उनके टारगेट फिसल गए. If he did, they could lose their jobs.
अगर राजा को यहीं से जाके बताएं तो उसका नौकरी निश्चित रूप से जाएगा। वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 1 फुट एंड शूट द टाइगर। एक शिकारी तुरंत थोड़ा सा दूर से उसको 1 फुट, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकता है, कितना दूरी से गोली मारा। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क। शिकारी सही निशाना लगा के उसको मार डाला। Then, as commanded by the king, the dead tiger was taken in procession through the town and buried. राजा जैसा बताया वैसे शहर से उसको जुलूस के साथ ले जाके सबको दिखाने के बाद उसको गाड़ दिया। The tomb was erected over it. एक टॉम्ब भी बनाया उसके ऊपर। टॉम्ब मैंने समाधि। ए फ्यू डेज लेटर द महाराजा सन्स थर्ड बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड। कुछ दिनों के बाद महाराजा के बेटे के बर्थडे आ गया, वो भी थर्ड बर्थडे। अंटिल देन द महाराजा हैड गिवन हिज एंटायर माइंड ओवर टू टाइगर हंटिंग। अब तक वो बेटे पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए, देश पर, अपने स्टेट पर ज़्यादा ध्यान दे नहीं पाए, एंड वो केवल शिकार में ही ध्यान दिया। And he had no time to spare for the crown prince. राजकुमार को टाइम देने के लिए उनके पास नहीं था। But now the king turned his attention to the child. अब तो बच्चे का ध्यान देने लग गया। He wished to give him some special gift on his birthday. उसने सोचा उसको बर्थडे में कुछ प्रेजेंट दे। He went to the shopping center in Pradibandapuram and searched every shop. वो अधिकांश दुकान में जाके तलाश करने लगा, बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग सूटेबल। फाइनली ही स्टॉप्ड ए वुडन टाइगर ने स्पॉटेड ए वुडन टाइगर ने टॉय शॉप एंड डिसाइडेड इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट। आखिर में एक दुकान में एक वुडन टाइगर का गुड़िया देखा, तो उसने सोचा मैं बेटे को बर्थडे गिफ्ट ये दे दूँगा। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 अनास एंड 1/4। पुराने टाइम में अना का हिसाब किताब था, आप लोगों को तो पता नहीं होगा क्या है। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 अनास एंड 1/4। पुराने टाइम में 1 अना 4 पैसा का हुआ करता था, 2 अना मतलब 8 पैसे, बस इतना ही था। पर द शीप शॉपकीपर न्यू दैट इफ ही क्वार्टर्ड सच ए लो प्राइस टू महाराजा ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल ऑफ द इमरजेंसी। अगर मैं उन राजा को ये 2 अना बता दूं तो उस समय का इमरजेंसी का जो रूल के आधार पर दुकानदार को पनिशमेंट मिलेगा। सो ही सेड योर मजेस्टी दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप, ये बारगेन एट 300 रुपीज। जी साहब ये बिल्कुल विशेष आइटम है, एंटीक पीस है, होता है ना दुकान वाला मक्खन लगाते हैं, हाँ सब्जी खरीदने जाओ वो खरीदने है, बिल्कुल ताज़ा वही बनियान खरीदो शर्ट खरीदो बिल्कुल पीस है। जब उन्होंने कभी इसका यूज़ नहीं किया फिर भी वो बोलेगा इतना बढ़िया चीज़ है तो ये करो वो करो इसका इतना पैसा लगेगा। कितने बारगेन करके देने वाले को 300 में दे देता हूँ, आप तो बारगेन करेगा ही नहीं मुझे पता है तो इसलिए दे दो। वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे। उसको 2 अना मिलना था वो भी नहीं मिला तो उसने बोला तुम्हारी तरफ से मेरे बेटे का बर्थडे गिफ्ट के रूम में इसको दे दो सेड द किंग एंड टुक इट अवे विद हिम। वहाँ से ले गए, उसके खिलाफ कुछ बोल ही नहीं सकता। हाँ यहाँ पुलिस वाले पुलिस के ऑफिसर्स अधिकारी लोग दुकान में जाके सामान ला के बड़े आराम से निकलते हैं ना, जैसे कोई सेल्स टैक्स ऑफिसर है, इनकम टैक्स ऑफिसर है, पुलिस वाला है, सामान खरीदते हैं पैसा नहीं देते हैं और डरा के
यूनिफॉर्म दिखाते चल जाते, राजा भी ऐसे ऐसे करते थे बस। लेकिन ईमानदार राजा, ईमानदार ऑफिसर, ईमानदार पुलिस वाले जो भी है, तो पैसा दे के चीज़ें खरीदे तो सबसे अच्छा है। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विथ दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर। रात हो गई, दोनों बाप बेटे तो उस खिलौने से खेलने लगा। इट हैड बीन कार्व्ड बाई एन अनस्किल्ड कारपेंटर। बनाने वाला कारपेंटर इतना एक्सपर्ट नहीं था। इट्स सरफेस वॉज रफ, उसका स्मूथनेस नहीं था। उसके बाहर टाइनी स्लीवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट। कीलें जैसे चीज उसके बाहर दिखाई दिया। उसको कहते स्लीवर्स, सिल्वर नहीं है, ध्यान से आंख फाड़ के देखना, स्लीवर्स। और वुड स्टूड लाइक क्विल्स, क्विल्स का मतलब लकड़ी के जो कीले जैसे दिखाई दिया। वन ऑफ द स्लीवर्स पियर्स द महाराजा'स राइट हैंड। राजा के हाथ में लग गया उसमें से एक कील। ही पुल्ड इट आउट विथ हिज लेफ्ट हैंड एंड कंटिन्यूड टू प्ले विथ द प्रिंस। वो दूसरा हाथ से उसको निकाल के फेंक दिया और खेल जारी रखा। द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजा'स राइट हैंड। दूसरा दिन इन्फेक्शन फेल गया, फ्लेयर्ड फेल गया। इन फोर डेज इट डेवलप्ड इनटू अ सपरेटिंग सोर विच स्प्रेड ऑल ओवर द। इतना भयानक व्रण का रूप में वो फैल गया पूरे हाथों में। थ्री फेमस सर्जन्स वेयर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास। मद्रास से फेमस सर्जन को बुलाया। आफ्टर होल्डिंग ए कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट। चर्चा करने के बाद वो डिसाइड किया इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। द ऑपरेशन टुक प्लेस, ऑपरेशन शुरू हो गया। द थ्री सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस्ड। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर्स ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ गया। द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, द महाराजा इज डेड। ऑपरेशन सफल हो गया, महाराजा मर गया। In this manner, the 100th tiger took its final revenge. Astrologer का बात सुना है, 100 tiger को मारना आसान नहीं है, उससे आपका मृत्यु है। हुआ तो वही, भले ही वो लकड़ी का हो, टाइगर से वही मृत्यु। लेकिन राजा काम विश्वास किया था एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी सच निकला, राजा का जान चला गया। And in this manner, the 100th tiger took its final revenge upon the tiger king. आखिरी बदला ले लिया इस तरह से एक लकड़ी वाला टाइगर। एस्ट्रोलॉजर जो भी बोला तो वो ये बताए टाइगर से होगा, ये नहीं बोला गुड़िया टाइगर से, असली टाइगर से, प्लास्टिक टाइगर से, कोई मतलब नहीं था। टाइगर से मृत्यु होगा, टाइगर से हुआ। उसका काटा लग गया, इन्फेक्शन हो गया, ऑपरेशन का टाइम आ गया, लेकिन ऑपरेशन से सक्सेस होने वाला जो ये नहीं था गाँव, वो ऐसा फैल गया, पूरे नस को ख़राब कर दिया होगा, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया, वो मर गए। इस तरह से राजा का मृत्यु ये चीता से ही हुआ।